एवरीवन, वेलकम टू मेरबाउट बायो। सो गाइज, एज आई हैव प्रॉमिस यू कि आप लोगों के लिए राजस्थान यूनिवर्सिटी ने जो बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, बीपीटी एंड फार्मेसी के लिए फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर स्टार्ट किया है, तो हम लोग साथ में मिलके फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर को समझेंगे कि एग्जैक्टली हम लोगों को फॉर्म कैसे फिल करना है, हम कैसे फॉर्म फिल कर सकते हैं। सारी डिटेल्स मैं आप लोगों को यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना। एंड में हम थोड़ी सी स्ट्रेटजीज भी डिस्कस करेंगे कि कैसे आप लोग इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, कौन कौन सी बुक्स आपको रेफर करनी चाहिए, क्या क्या बेस्ट स्ट्रेटजी रहने वाली है, वो हम डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले स्टार्ट करता है फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर से। तो पहला स्टेप बच्चों ये आता है कि आप लोगों को ये डिसाइड करना है कि आप लोगों को राजस्थान यूनिवर्सिटी में कौन से कोर्स के लिए अप्लाई करना है। ये यहाँ पे आपको चार डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज के लिए अप्लाई कराएगा। तब बीएससी नर्सिंग के लिए फॉर्म फिल कर सकते हो आप, बीपीटी बैचलर्स इन फिजियोथेरेपी में कर सकते हो, फार्मेसी मतलब बी फार्मा के लिए आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे, इवन उसके अलावा पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है स्टार्टिंग जो फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर है बच्चों, वो आज ही स्टार्ट हुआ है 29 मई, एंड इसका लास्ट डेट है 18th of June। मैंने आप लोगों को जो लास्ट वीडियो अपलोड कराई थी राजस्थान यूनिवर्सिटी से रिगार्डिंग, उसमें भी ये चीज समझाया था कि बच्चों फॉर्म फिलिंग में जल्दी नहीं करना है और डिले भी नहीं करना है इतना ज्यादा, क्योंकि आप लोग सिर्फ क्या करो, अपने नीट एग्जाम का, नीट 2023 के रिजल्ट का वेट करो। अगर आप लोगों को लगता है नीट के थ्रू आपका नहीं हो पा रहा है, रिजल्ट की जो मोस्ट प्रोबेबली डेट है वो 15th of June है, 15th of June तक मोस्ट प्रोबेबली आपका रिजल्ट आ जाएगा। अगर नहीं आता है बाय चांस तो आप लोग ये फॉर्म फिल कर सकते हो, बट ऑन योर ओन कोर्स, बिकॉज आप लोगों को पता है पेरेंट्स की साइड से भी स्टूडेंट्स का काफी चैलेंजिंग रहता है, बिकॉज आप लोगों ने नीट के लिए फॉर्म फिल किया है, सीयूटी के लिए किया है, बहुत सारे बच्चों ने एम्स के लिए भी किया है, तो थोड़ा हाई चार्ज हो जाता है ये। इसका भी फॉर्म फिलिंग का जो चार्जेस है वो 1400 है जनरल कैटेगरी वालों के लिए, बाकी कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए 750 है, ठीक है। तो सबसे पहले ना मैं आप लोगों को फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर बताती हूँ। तो आप लोगों को क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपली गूगल पे जाना है, और जैसे मैंने यहाँ पे डाला RUHS BSc नर्सिंग, तो मेरे पास ये साइट ओपन होके आ गई, इसमें जो फर्स्ट नंबर पे साइट है उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करते ही आप लोगों के सामने ऐसा कुछ बन के आएगा, इसमें आपको लिखा है फिल एप्लीकेशन फॉर्म फॉर BSc नर्सिंग, इस पे आप लोग क्लिक करोगे। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने जस्ट अ सेकेंड मैं आपको दिखाती हूँ, ये कुछ ऐसा ओपन होगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे आप अपनी डिटेल्स ऑप्शन सब कुछ फिल करना स्टार्ट करो, जैसे कि मैं अपना फिल कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे अपनी डिटेल्स बच्चों फिल कर रही हूँ, नेम एंड फादर नेम, जेंडर फीमेल, डेट ऑफ बर्थ आप फिल कर देना यहाँ पे। हाँ, मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल कर रही हूँ। पेमेंट, आप पेमेंट किसके थ्रू करने वाले हैं, मित्रा पेमेंट गेटवे, इन्होंने एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, अभी आप इसी को पिक कर देना। लेट्स सी आगे क्या दिखाता है, देन नेक्स्ट पे आप क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आपके सामने डिटेल आया, अच्छा मदर नेम भी चाहिए इनको, तो भाई मदर नेम भी इनको दे देते हैं, हो गया। फिर आता है हमारे पास प्लीज अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, इनको फोटो चाहिए और सिग्नेचर चाहिए। किस फॉर्मेट में चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में चाहिए, चूज फाइल, लेट्स सी मेरे पास कोई फोटो होगी, मैं रैंडमली अभी डाल देती हूँ। ठीक है, एंड इनको चाहिए आपका सिग्नेचर। बच्चों देखो, सिग्नेचर के लिए प्लीज रूल सुन लो, एक व्हाइट शीट लेनी है आपका, A4 शीट का कोई भी पेज ले सकते हो, उसके ऊपर सिग्नेचर करना है, ब्लू बॉल पेन से साइन करना है, उसको स्कैन करना है, और सिर्फ जितना सिग्नेचर वाला पार्ट है ना उसको अपने पास रखना है। देखो साइज 50 KB का होना चाहिए, और जो आपकी व्हाट्सएप मतलब जो आपने इमेज क्लिक किया है वो 100 KB तक की होनी चाहिए सिर्फ। तो मैं यहाँ पे इनको क्या चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, सिग्नेचर भी इनको दे देती हूँ 50 KB तक। आई डोंट नो मेरा 50 KB तक होगा या नहीं होगा, JPG फॉर्मेट में हो गया। फिर आप नेक्स्ट पे दोनों चीजें फिल कर दोगे, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना। कुछ गड़बड़ दिखा रहे हैं, पासपोर्ट साइज फोटो 100 KB का एंड 50 KB का, क्लिक और ब्राउज बटन। मेरा फॉर्मेट गलत है बच्चों, तो आप लोग प्लीज फॉर्मेट को अपना सही करना, आई थिंक नेटवर्क इशू हुआ है, ब्राउजिंग चल, एक मिनट वेट करता है। हो गया है, हो गया है, हो गया है।
तो आप लोग अपना फिल कर लेना, चाहो तो आप साथ साथ भी फॉर्म फिल कर सकते हो या बाद में करना चाहो बाद में। तो ये डिटेल्स मेरा आ गया है। फिर डोमिसाइल स्टेट इनको चाहिए, डोमिसाइल स्टेट। अब बच्चों यहाँ पे आप लोगों अपना प्लीज डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा के रखना। ये मैं उन स्टूडेंट्स के लिए भी बोल रही हूँ जो हमारा नीट के काउंसलिंग के लिए अप्लाई करेंगे, उसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें आप लोगों को बताऊंगी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को हैंडी रेडी रखने हैं। आपका कैटेगरी आपको फिल करना है जिस कैटेगरी के पास, आप कैटेगरी का आपके पास प्रॉपर सर्टिफिकेट है। जनरल पर्सन विद डिसेबिलिटी, दिस इज नो। आप अपना एड्रेस फिल कर देना, एड्रेस लक्ष्मी नगर, पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस स्टेट दिल्ली, डिस्ट्रिक्ट न्यू दिल्ली, ठीक है। पिन कोड न्यू दिल्ली का पिन कोड, भाई बच्चों पिन कोड मेरे को सर्च करना पड़ेगा। अब ये मैं सोच रहा मैं दिल्ली से नहीं, मैंने रैंडमली फिल किया, मैं इसको सर्च कर लेती हूँ पिन कोड फॉर न्यू दिल्ली। आया है 11001, 11001, सही। एड्रेस अगेन एड्रेस, भाई कितनी बार एड्रेस लोगे, चलो फिल कर देते हैं। नहीं पोस्ट ऑफिस नो, स्टेट दिल्ली, डिस्ट्रिक्ट न्यू दिल्ली फिल किया था ना ऊपर, तो सेम फिल करना है यहाँ पे भी। न्यू दिल्ली अगेन पिन कोड 11000। ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है यहाँ पे, फोन नंबर 0 एंड मोबाइल नंबर एंड व्हाट्सएप नंबर, ठीक है बच्चों ये फिल कर लेना। फिर आप अपने रिजल्ट्स पे आना, रिजल्ट स्टेटस आप लोगों 12th पास आउट हो चुके हो तो 12th पास लिखना, आपके फिजिक्स में बायो में केमिस्ट्री में कितने मार्क्स हो टोटल लिखना, परसेंटेज खुद बन के आ जाएगा। फिर क्वालिफाइंग एग्जाम डिटेल्स में हमसे मांग रहे हैं सेकेंडरी सीनियर, अच्छा बोर्ड क्या था, तो आप लोगों का दिल्ली बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, जो भी बोर्ड है बच्चों वो आप लोग फिल कर देना। जैसे मैंने डाला दिल्ली स्टेट ओपन स्कूल, अगर ओपन स्कूल होगा ओपन डालना, जो भी आपका बोर्ड है प्लीज वही फिल करना। सेकेंडरी सीनियर एंड ईयर कौन से ईयर में आपने पास आउट किया, 2022-23। सीजीपीए आपका कितना बनता है, सीजीपीए में नहीं है नो, सीजीपीए अर्न, अच्छा इसको यस करोगे आप लोग, देन यहाँ पे अर्न कितना सीजीपीए, कितना मैक्सिमम मार्क्स थे आपके अर्न ऑफ सेकेंडरी रिक्वायर्ड, ठीक है। अच्छा पहले आपको अर्न लिखना पड़ेगा, फिर मैक्सिमम मार्क्स एग्रीगेट मार्क्स ये सब करना। ये सब फिल करने के बाद नीचे रोल नंबर और यहाँ पे क्लिक करके इसको कर देना प्रोसीड। अब मैंने अभी तक कुछ फिल नहीं किया इसलिए मैं प्रोसीड नहीं कर पाऊंगी, बट आगे क्या क्या डिटेल्स है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो बच्चों ये सारे के सारे डिटेल्स देखो आप लोग फिल कर लेना, उसके बाद मैं आप लोगों को ना ब्रोचर से समझा देती हूँ कि आप लोगों को आगे कौन कौन सी डिटेल्स फिल करनी पड़ेंगी। तो आगे देखो आप लोगों को क्या करना है, स्टेप वन हम लोगों ने पूरा फिल कर लिया है, नेम ऑफ द कैंडिडेट पूरा का पूरा, लेट मी जूम इट आउट। स्टेप टू में हम लोगों ने मदर्स की डिटेल फिल किया, सिग्नेचर अपलोड किया एंड अपना इमेज अपलोड किया। फिर हम थर्ड स्टेप पे आए, थर्ड स्टेप पे इन्होंने वेरीफाई द डिस्प्लेड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, वेरिफिकेशन किया, एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट, हमारा डोमिसाइल स्टेट, हमारा कैटेगरी ये सब मांगा, पर्सन विद डिसेबिलिटी ये सारी चीज़ें, ईमेल आईडी हम लोगों से फिल किया रहा। फिर हमारा फोन नंबर एंड कैंडिडेट्स मोबाइल नंबर व्हाट्सएप नंबर आपने फिल किया, अपनी क्लास 12th की डिटेल्स फिल की। फिर उसके बाद आपने अपना बोर्ड्स फिल किया, सेकेंडरी बोर्ड आपका 12th में मार्क्स कितने थे ये सब कुछ आपने फिल किया, सीजीपी आपने फिल किया। उसके बाद आपको वेरीफाई पे क्लिक कर देना है, प्रिंट कॉपी ऑफ द अनसक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द, फिर उसके बाद कुछ नहीं करना है। देखो जैसे ही यहाँ पे आप प्रोसीड पे क्लिक करोगे ना, अभी मैंने डिटेल्स नहीं सारा फिल किया है, तो प्रोसीड पे क्लिक करते ही आपका पेमेंट का ऑप्शन बन के आ रहा है, क्योंकि वो कुछ नहीं पूछते हैं आपसे, कोई वो सर्टिफिकेट मांगेंगे ही नहीं अपलोड करने के लिए। डायरेक्ट वेरीफाई पे क्लिक करोगे, पेमेंट 1400 और SC ST वालों के लिए 750 का पेमेंट आ जाएगा। पेमेंट करना, कंफर्मेशन पेज को डाउनलोड करके अपने पास रख लेना, ठीक है। आपको कोई प्रिंट कॉपी वगैरह एप्लीकेशन फॉर्म कुछ नहीं फिल करना है, एग्जाम के लिए कुछ नहीं सोचना है, कब एग्जाम आएगा आपकी मैम है आप लोगों को बताने के लिए, सिर्फ पढ़ाई करो 12th का सिलेबस। अब देखो जरा आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग में बोला था भाई थोड़ा सिलेबस के बारे में भी हम देख लेते हैं, बिकॉज इन्होंने ब्रोचर एड किया है, लेट्स हैव अ लुक। हमने यहाँ पे क्लिक किया,
यहाँ पे क्लिक करके इम्पोर्टेंट न्यूज एंड इवेंट्स में था ना, बीएससी नर्सिंग। ये देखो, अगर आपको नर्सिंग के लिए फिल करना है आप यहाँ पे करोगे, आपको पैरामेडिकल के लिए करना है तो आप पैरामेडिकल वाले पे, बी फार्मा डी फार्मा जिसके लिए करना है बीपीटी, जहाँ पे। तो मैंने बीएससी नर्सिंग के लिए किया, ये मेरे पास बन के आया, ये आ गया यहाँ पे ब्रोचर, सिलेबस आ गया। देखो यहाँ पे, लेट्स हैव अ लुक, दिस इज द सिलेबस आपका। फिजिक्स का सिलेबस बोल रहे, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड टॉपिक्स भी इन्होंने दिया। एम्स नर्सिंग कोई सिलेबस हमें प्रोवाइड नहीं करा रहा था, बट राजस्थान यूनिवर्सिटी प्रॉपर सिलेबस हमें प्रोवाइड कराता है। मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ये मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या चैनल की अबाउट में जाके भी आपको मिल जाएगा। अनलेस आप लोग टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं मेड अबाउट बायो बाय शिवानी अग्रवाल, वहां से भी आपको मिल सकते हैं। तो ये देखो सारे के सारे चैप्टर्स हैं हमारे, कुछ प्रैक्टिकल से भी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, आ सकते हैं आपके। प्रैक्टिकल के नाम भी इन्होंने हमें दिए हुए हैं, सिलेबस ऑफ केमिस्ट्री, वही अगेन सिर्फ और सिर्फ 12th का सिलेबस है। बायोलॉजी में भी आपका 12th का सिलेबस है, प्रॉपर इन्होंने चैप्टर्स विद टॉपिक नेम्स दिए हुए हैं हमें सारे के सारे। सिर्फ 12th का सिलेबस है, कुछ नहीं सोचना है बच्चों, मस्त पढ़ाई करो। इन्फॉर्मेशन बुकलेट इन्होंने दिया हुआ है, जिस इन्फॉर्मेशन बुकलेट भी हम चेक कर लेते हैं एक बार। ये देखो जरा, बीएससी नर्सिंग 4 ईयर का एक कोर्स होता है। इन्फॉर्मेशन बुकलेट में आपका देखो, फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर आज स्टार्ट हुआ है, 5 बजे से स्टार्ट हो जाएगा एग्जैक्टली। लास्ट डेट फॉर डिपोजिटिंग द एप्लीकेशन फीस 18th of June, ऑनलाइन सबमिशन की 19th, एडमिट कार्ड का प्रिंट कब आना है कैसे होगा सब आप लोगों को पता चल जाएगा। एंट्रेंस एग्जाम ऑफलाइन होगा या बेस होगा, किस वे में होगा वो भी आपको पता चल जाएगा। एग्जाम कैसे की डेट क्या होगी वो भी सब डिटेल्स आप लोगों को पता चल जाने वाली है, सो आपको टेंशन नहीं लेना है। अब ये फॉर्म कौन फिल कर सकता है, 17 ईयर्स के जितने भी स्टूडेंट हो चुके हैं दिसंबर 2023 तक, वो 17 के हो जाएंगे प्रॉपरली वो, या फिर 28 ईयर्स से कम एज वाले वो आपके फिल कर सकते हैं, ठीक है। एंड रिजर्वेशन ऑफ सीट 85% आप लोगों को पता है हमारे राजस्थान के स्टेट स्टूडेंट्स के लिए है, एंड 15% हमारे आउट ऑफ राजस्थान किड्स के लिए है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप लोगों के पास होना चाहिए। हाँ, ये एप्लीकेशन प्रोसीजर हमने देख ही लिया पूरा, बस इतनी इन्फॉर्मेशन है बच्चों आप लोगों के लिए। सो आई होप आप लोगों के लिए वीडियो बेनिफिशियल रहा होगा। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है बच्चों, कोई भी इशू है, तो आप लोग मेरे को टेलीग्राम चैनल पे भी बता सकते हो, वहां पे मैसेज कर दो मुझे टैग करके, या कमेंट सेक्शन में भी लिख के बता सकते हो, ठीक है। इस एग्जाम के लिए भी आप लोगों के लिए PYQs, कैसे आप लोगों को प्रिपरेशन करना है, सारी चीजें आप लोगों को प्रोवाइड होगी सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पे। सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। सेम हम लोगों ने जैसे एम्स नर्सिंग के लिए हम लोग PYQs कर रहे हैं, RUHS के लिए भी हम लोग PYQs का सेशंस लगाएंगे। एंड कोई भी प्रॉब्लम हो यू कैन डायरेक्टली रीच आउट टू मी। आप लोगों के पास मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी आप लोगों के पास अवेलेबल रहता है, वहां से आप लोगों को इजीली मेरा नंबर भी मिल जाता है। सो डोंट वरी, जब तक आप लोगों की शिवानी मैम, आप लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बस मस्त पढ़ाई करो आप लोग, ठीक है। एंड वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, एंड अपना फीडबैक जरूर देना, चाहे फीडबैक वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, इट डजेंट मैटर, आप लोगों का फीडबैक मैटर करता है, ठीक है। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।